नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजस्थान की राजनीति में उठापटक चालू है, जहां पायलट ने ये घोषणा की वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और जहां कांग्रेस ने उनके ऊपर कार्रवाई करने के भी निर्णय लिया है। लेकिन राहुल गांधी, आला कमान राहुल गांधी, ये चाहते हैं कि पायलट कांग्रेस ना छोड़े और पायलट के भी कांग्रेस में बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं। वापसी कर सकते हैं सचिन पायलट कांग्रेस में। आई नजर डालते इस बड़ी खबर पर। कांग्रेस से बगावत करने वाले सचिन पायलट के भविष्य को लेकर असमंजस बना हुआ है। वे कह चुके हैं कि भाजपा में नहीं जाएंगे। दूसरी ओर चर्चा है कि पायलट समेत सभी बागी विधायकों के लिए कांग्रेस ने दरवाजे खुले रखे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि पायलट को वह एक और मौका दिया जाए, इसलिए सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल भी पायलट के संपर्क में हैं। राहुल ने कांग्रेस नेताओं से कहा है कि पायलट ने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन उन्हें परिवार में लौटने के लिए एक और मौका दिया जाए। पहले यह माना जा रहा था कि पायलट की बगावत से राहुल नाराज हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल कोशिश कर रहे हैं कि पायलट की सम्मानजनक वापसी हो जाए। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बुधवार के बयान के बाद राहुल ने सचिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए पार्टी नेताओं को निर्देश दिए। गहलोत ने पहली बार सचिन पायलट को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वे सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे, हमारे पास इसके सबूत हैं। इसके बाद राहुल ने जयपुर में मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से कहा कि पायलट को एक और मौका दें। उसके बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया के जरिए मैसेज दिया कि पायलट को सभी विधायकों के साथ जयपुर लौट आना चाहिए। प्रियंका गांधी भी पायलट के संपर्क में हैं, वे कई बार उनसे बात कर चुकी हैं। पार्टी में कई बड़े नेता जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, प्रिया दत्त और शशि थरूर भी कह चुके हैं कि पायलट से बात होनी चाहिए। वरिष्ठ नेता मार्गेट ने भी ट्वीट किया था कि मतभेद होने का मतलब पार्टी विरोधी नहीं होता है, विवाद सुलझाए जा सकते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी अलवा की बात का समर्थन किया था। बताया जा रहा है कि पायलट बिना शर्त वापसी कर गहलोत सरकार को सपोर्ट करेंगे तो कुछ महीने बाद उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।